हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज हम आए एक नए स्पॉट पे, ये है बिल्लू ऑमलेट पॉइंट। तो काफ़ी पॉपुलर जगह है, ये वेस्ट दिल्ली के अंदर ही है। जरा कितने तरह की मिलती है यहाँ पे अंडे की डिशेज? बहुत सारे भैया। तब भी कितने नंबर, कितने हैं, कितने मतलब कितने तरह के? 30-40 आइटम है। 30-40 आइटम अलग अलग हैं। ये आगे हमारे भैया बिल्लू ऑमलेट पॉइंट के करता धरता भैया। आपका नाम? सौरभ भैया। सौरभ, आप फ्री हो भी बात कर सकते हैं? तो कितना टाइम हो गया सौरभ जी यहाँ पे लगे हुए? 98 से। तो पहले कौन लगाता था यहाँ पे? मेरे फादर साहब लगाते हैं। दादाजी, अब आप लगा रहे हैं। और कितने तरह की डिशेज है वैसे? तो उन्होंने बताया 30-40 एग्जैक्ट नंबर, कितने तरह के अलग अलग चीज़ें बनती हैं ऑमलेट से? तो मेरे को भी नहीं पता कितने हैं। अच्छा, वैरायटी बहुत सारी है। मेरा नाम जनक। जनक जनक, अब क्या बनाने लगे हो आप? मैं बना रहा हूँ भैया नॉर्मल ब्रेड ऑमलेट। नॉर्मल फ्रेंड जी, बेसिक ब्रेड ऑमलेट बनने लगे भैया। आया एक बिना प्याज वाला खाते हैं, तो पहले इनका बेसिक ही देखते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं बेसिक बनाने के लिए। विदाउट अनियन चीज़ ऑमलेट, वैसे नॉर्मल बेसिक ऑमलेट बन रहा है। इसके बाद आपको सारी रेसिपीज जो जो बनती जाएंगी आपको दिखाते जाएंगे हम लोग। अच्छा, ये ब्रेड अंदर ही रख दोगे इसके? अच्छा, ये चीज़ डालोगे ऊपर से? बटर तो डाला ही आपने, इसके अलावा चीज़ भी डलेगा। फ्रेंड, बटर तो डल चुका है पहले अमूल का, अब ये चीज़ डल रहा है ऑमलेट के ऊपर। ये पूरा स्लाइस एक लगा दिया उन्होंने चीज़ का। दो स्लाइस लगेंगे, एक दो दो स्लाइस चीज़ के लग गए हैं। और ये कौन सा सॉस है? ये तंदूरी सॉस। तंदूरी सॉस, इस पर तंदूरी सॉस डल रहा है। और ये मसाला कौन सा है? अपने मसाला है। अपना मसाला है, ये का पर्सनल कोई सीक्रेट मसाला है, वो डाल रहे हैं ऊपर से। और अब ऊपर से स्लाइस लग जाएंगे। तो ये बन गया बटर चीज़ ऑमलेट, बटर चीज़ ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट प्लेन। अब क्या बनने लगा भैया? चिकन चीज़ ऑमलेट कुलचा। चिकन चीज़ ऑमलेट कुलचा, दो अंडे डालेंगे इसमें, धनिया प्याज और इनका जो मसाला और चिकन के पीसीस हैं ये। ये बॉईल करके रेडी किए हुए हैं मसाला वसाला लगा के। कितने पीस डल जाते हैं एक इसमें? गिनती के नहीं है, गिनती के नहीं है। और फिर ऊपर से बटर, ये आ गया तवे पे बटर। ये डल गया चिकन चीज़ कुलचे का पूरा मटेरियल, इसमें चिकन, धनिया प्याज, टमाटर, मक्खन और फिर चीज़ भी डलेगा। अभी स्लाइस लगेंगे पहले, ये कुलचे के स्लाइस लगेंगे ना ऊपर। इसमें कितने स्लाइस? इसमें भी दो स्लाइस डालेंगे, इसमें भी फ्रेंड दो स्लाइस डालेंगे चीज़ के। अब ये डल गया एक स्लाइस और डल गया दूसरा तंदूरी सॉस। तंदूरी सॉस, ये तंदूरी सॉस डल गई है और ऊपर से फिर दोबारा मसाला, इनका जो अपना सीक्रेट मसाला है, और नींबू डलेगा। फ्रेंड देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, ये चिकन तो है ही इसके अंदर। ये लग गया कुलचा ऊपर एक, ऊपर से धनिया उसकी, और ये रेडी हो गया है चिकन चीज़ कुलचा। चिकन चीज़ कुलचा ऑमलेट, इसके भी चार पीस करोगे ऐसे सर्व करोगे? इसके चार पीस हो जाएंगे इसके काट के। लेकिन पहले मक्खन डाल रहे हैं और सो क्रिस्पी करने के लिए। ये हो गया इसके चार पीस, तो ये रेडी हो गया। अभी चटनी का सर्व होगा। चटनी कौन सी है? चटनी हरी वाली, टमाटर वाली, सब तरह की चटनी है। कुलचा चीज़ ऑमलेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कुलचा चीज़ चिकन ऑमलेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो आ रहा है वही 90% वही मांग रहा है, तो लोगों से बात भी करने की ट्राई करते हैं। ये आपने क्या मंगाया? चिकन चीज़ कुलचा ऑमलेट। तो आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम गगन। बहुत अच्छा है, बाकी जगह भी ट्राई किए हैं बट यहाँ का अच्छा लगा। क्या मतलब, क्या फ्रेश, क्या चीज़ है? चिकन अच्छा लगता है, फ्राई डाला हुआ, क्या चीज़ है इसमें? फ्लेवर वगैरह बढ़िया लगता है वो टेस्ट में, क्योंकि मैंने बाकी जगह भी खाया, कुछ लोग फेमस भी हैं बहुत ज़्यादा, बट नहीं मज़ा आया। तो रेगुलर आते रहते हो क्या पे? चलन नगर ही रहते हो पास में ही आप? जब भी अंडा वंडा खाने का मन किया इस तरह का, नॉन वेज खाने का, तो आ गए यहाँ पे। बहुत अच्छा है, मतलब नया नहीं आ रहा बहुत टाइम से। तो लोगों को भी रिकमेंड किया है कि आप ही आते हो? सारे आते हैं खाने के लिए, मेरे वजह से आना स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये आप स्टार्ट किया था? फ्रेंड दूसरे वाले फ्रेंड को ले नहीं सकते, बहुत फेमस है तो हम उनको दिखा नहीं सकते। नाम क्या आपका? हैं यश। यश, अभी तो आप खैर वो खा रहे हो, ये तो नॉनवेज खा रहे हो, आप वही खा रहे हो अभी ऑमलेट चिकन चीज़ ऑमलेट कुलचा। ऑमलेट कुलचा रियली वेरी नाइस। और अगर अभी मतलब हम रहते हैं थोड़ा दूर उत्तम नगर साइड, तो हमें दूर यहाँ पे आना पड़ता है खाने के लिए। अच्छा, उत्तम नगर रहते हो आप, तो यहाँ स्पेशली यही खाने आते हो? तो कितना टाइम से खा रहे हो? ज़्यादा टाइम। नाम क्या भैया आपका? दीपक। दीपक, वही खाने आए हो जो सब खा रहे हैं?
क्या कहते हैं, चिकन चीज़ कुलचा ऑमलेट। तो जब भी आते हो यहाँ पे यही सेम रिपीट करते हो, बोले क्या खास बात है ऐसी जो हमेशा ही टेस्ट बढ़िया है? बाकी नॉर्मल से ज़्यादा यही इसका पॉपुलर है, यही लोग खा रहे हैं ज़्यादातर। ये देखिए ये भी ले आए हैं, ये भी ले आए हैं सेम चीज़। तो दोनों दो प्लेट वही लिया है कि एक प्लेट लिया अभी? नहीं, दो प्लेट लिया, अलग अलग करवाए सेम चीज। नहीं नहीं, अलग अलग, मेरा ऑमलेट है, इनका चिकन, इनका चिकन है। मतलब आपने चिकन नहीं लिया उसमें? चीज़ मैं दूसरा ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ट्राई कर रहे हो। वैसे आप रेगुलरली वही चिकन वाली खाते हो? टेस्ट कैसा भैया का? लोग तो काफ़ी दूर से आए हैं उत्तम नगर से कहीं। आप लोग कहाँ से आए हो? पालम से आए हो? तो पालम भी दूर ही है, तो घूमते फिरते आ गए हो कि किसी नाम सुना हुआ था इसका? नाम सुना हुआ, टेस्ट के लिए तो कहीं भी। क्या ऑर्डर किया है? शॉर्मा ऑर्डर किया है, और एक ये चिकन शॉर्मा। हाँ जी, हाँ जी। और ये कुलचा ऑमलेट, चिकन कुलचा ऑमलेट ना, चीज़ वाला जो है? हाँ, ये भी खाते हैं कभी कभार, पिज़्ज़ा ऑमलेट भी खा लेते हैं। पिज़्ज़ा ऑमलेट तो कौन सा बेटर है, पिज़्ज़ा ऑमलेट या ये? पिज़्ज़ा ऑमलेट थोड़ा ज़्यादा बेटर है, थोड़ा ज़्यादा बेटर है। आप लोगों ने जैसे बताया नांगलोई से आए हो आप खाने के लिए, यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे तो यहाँ पे आ गए, तो नाम सुना हुआ था आपने, नेट से देखा था कैसे? पहले से आते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे आते रहते थे। अच्छा, तो काफ़ी सुना था कि लाइक हाँ बढ़िया है यहाँ पर, तो तब भी आपने टेस्ट किया होगा पहले भी आके? हाँ, पहले भी बहुत बार टेस्ट किया है, कई बार गाड़ी लेके आते हैं, रात को नाइट आउट निकलते हैं कभी कभार, तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं 11 बजे। यह विशाल नाम है बेटा। विशाल, क्या ऑर्डर किया है भैया आपने? चिकन ऑमलेट ऑर्डर किया है। चिकन चीज़? चिकन चीज कुलचा ऑमलेट। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, भाई के थ्रू आया हूँ। अच्छा, आपने बताया उनको? हाँ जी, हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम मतलब इस तरफ आए हुए थे खा रहे हो कि यहीं रहते हो? नहीं नहीं, रहते यार, ये हमारे, हम फिलहाल आए हैं मादीपुर से, पंजाबी बाग। अच्छा, उस तरफ से आए हो, तो ये भैया ने आपको बताया होगा यहाँ पे अच्छा है, तो आप आए हो खाने के लिए? हाथ में लेना मुश्किल है, सही कह रहे हो। बाइट लेते पता नहीं क्या होगा, देखो लेके बाइट लेके बताओ फिर कैसा टेस्ट है, कैसा लगा? चिकन डाला हुआ उन्होंने, बहुत उसको बारीक करके डाला हुआ दबा के। अच्छा। तो इसलिए पता नहीं लग रहा होगा, मैं देखा ना इसकी मेकिंग कैसे है, बढ़िया है। मतलब भैया सही जगह ले आए आपको। आप लोग सेम डिश खा रहे हो? मतलब यही सबसे बढ़िया है यहाँ पे, सबसे स्पेशल कुलचा ऑमलेट, चिकन कुलचा ऑमलेट ना? यस भैया, हम तो करीबन के बाद 2 साल से आ रहे हैं। 2 साल से आ रहे हो, तो यही वाला कुलचे वाला ही डिश आप भी? लेकिन मोस्टली हम यही खाते हैं, मोस्टली यही खाते हो। कैसा लगता है? ये समझ लो कि यहाँ पे सबसे बढ़िया ही, सबसे बढ़िया ही बनाते हैं। तो किसके साथ आए हो? भैया के साथ। भैया क्या खिलाने लेके आए हो उनको सबको? अच्छा, वही वाला सेम, सब लोग वही खा रहे हैं? पहले भी खाए हुए आपने, तो आप खाते रहते होगे ना? इन लोगों को फर्स्ट टाइम खिला रहे हो? हाँ, ये बाहर से आए हैं, जम्मू से आए हैं। अच्छा, जम्मू से आए हैं, तो आप लोग फर्स्ट टाइम टेस्ट करोगे, अब टेस्ट करके बताना कैसा लगा। पहला बाइट लेके बताओ कैसा लगा। आप बताओ, चलो कैसा टेस्ट है, कैसा लगा संजीत? बढ़िया है। और आपको अच्छा है? फीलिंग वगैरह, चिकन वगैरह सब फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। चलो पसंद आ गया भैया, बढ़िया, इनको आप सही जगह ले आए खिलाने के लिए। इनको आपने आपने खाया हुआ है ना खुद, इसलिए आप लेके आए हो खिलाने के? यही रिपीट करते हो, इसी चीज़ खाते हो सेम? यही खाना है, यही सेम चीज़ ही। भैया चटनी कौन कौन सी है? ये वाली कौन सी है? टमाटर टमाटर अदरक लहसुन। और ये मेयोनीज। और ये धनिया पुदीना मिक्स है कि धनिया की है? धनिया पुदीना मिक्स। शोरमा किसका, चिकन का मटन का? चिकन का। आप धड़ाधड़ लगे हुए बनाने के लिए कुलचा, चिकन चिकन चीज ऑमलेट कुलचा, धड़ाधड़ बन रहे हैं लगातार। ये जो देसी अंडे रखे हुए हैं, तो ये अगर कोई कहे देसी अंडे चाहिए, तो कितना फ़र्क होता है रेट का दूसरे में और इसमें डिश का? वो 7 रुपये का, 12 रुपये का बच्चा। अच्छा, 7 और 12 का फ़र्क है, मतलब डिश में भी फ़र्क पड़ेगा इतना? हाँ, टेस्ट का फर्क लगता है। ऐसा रहा जिम से आ रहे हो आउटफिट से, तो अच्छा जा रहे थे, जाने नहीं दिया तो कैसे आ गए फिर? इनके साथ आ गया। तो आज खा लेना फिर गीतांश। तो गीतांश यही शॉर्मा खाते हो कि वो भी खाते हो कुलचा जो है, कुलचा वाला जो? अच्छा, बटर ज़्यादा होता है तो शॉर्मा ही खाते हो, तो कैसा टेस्ट है? बढ़िया है। तो इसको क्या रेटिंग दोगे? 5.4। मतलब बहुत टेस्टी है, बढ़िया लगता है। महीने 25 दिन आते हो यहाँ पे या यहाँ पे या वहाँ पे? दोनों जगह जाते हो, मतलब 25 दिन आप शॉर्मा खाते ही खाते हो? जैसे तो ये सारे लोग बता ही रहे हैं बहुत टेस्टी है, आपको कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया भैया, ये वही है ना चिकन चीज, चिकन चीज कुलचा ऑमलेट। हाँ, नाम बड़ा लंबा और खा भी लोग रहे हैं सारे, भी हो रहे।
बहुत बढ़िया है। काफ़ी सालों से, 3 साल से, और सारी क्वालिटी वाइज सब फिलिंग वगैरह चिकन वगैरह की सब बढ़िया है। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और एग खाने के लिए वो जो स्पेशल उनका कुलचे वाला था, चिकन कुलचा चीज़ ऑमलेट, बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग वही खा रहे थे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पे, आपको नए नए ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट वेस्ट दिल्ली में है और लोकेशन है ये पैसिफिक मॉल के पास ही है, तिहाड़ विलेज के पास में। तो काफ़ी दूर से भी लोग आए हुए थे खाने के लिए, लोगों ने नाम सुना हुआ था, तो स्ट्रीट फूड खाने के लिए तो लोग दूर दूर से ट्रैवल करके आ जाते हैं। तो काफ़ी लोगों से बात भी हुई। बने रहिएगा हमारे चैनल पे, नए नए बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स देखने को मिलेंगे आपको। ऐसी सपोर्ट बना के रखिए ताकि हम लोग नए नए व्लॉग्स बनाने के लिए मोटिवेट होते रहे, आपको नए नए पॉइंट दिखाएं बढ़िया बढ़िया खाने के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।